पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अंतरिम बजट आने के बाद जनता से पब्लिक टीवी ने बात की। जहां कुछ लोग खुश नजर आए तो वहीं कुछ दुखी भी हुए। जहां किसानों को तोहफा मिला वहीं मुरादाबाद के निर्यात को भी कुछ नहीं मिला, तो वहीं देश भर के निर्यातक भी निराश हुए। हस्तशिल्प और कारखानेदारों ने भी इस बजट को उनके लिए बेकार ही बताया। उनका कहना है कि पीतल नगरी निर्यात के लिए प्रसिद्ध है और निर्यात के लिए ही बजट में कुछ भी शामिल नहीं किया गया। की प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। देखिए, ये जो मोदी सरकार का इस टर्म का ये जो आखिरी बजट है, जो कि वित्त मंत्री के रूप में पीयूष गोयल जी ने प्रस्तुत किया है, इसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं कि उन्होंने सभी वर्गों का ध्यान रखते हुए ये बजट अंतरिम बजट के रूप में बनाया है। इसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ये आसार लगने लगते हैं कि आने वाला फ्यूचर हम लोगों के लिए कैसा। जहाँ तक हम मध्यम वर्ग की बात करते हैं, तो मध्यम वर्ग को 2.5 लाख से छूट पड़ा के 5 लाख रुपए तक की कर दी गई है। यानी कि इसको अगर हम टोटल एक्सप्लेन करें तो जो व्यक्ति 6.5 लाख रुपए की आय रखता है, वो उस पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, क्योंकि 1.5 लाख रुपया ATC में वो अपना इन्वेस्ट कर सकता है और 5 लाख रुपए तक की छूट है। तो इस तरीके से उसको एक बहुत बड़ा फायदा हो रहा है। और जो नौकरी पेशा व्यक्ति है, उसको जो ये छूट है वो 7 लाख रुपए तक की या 7,25,000 रुपए तक पे है, कि 5 लाख रुपए प्लस 1.5 लाख रुपए ATC में है, प्लस 50,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन में है, प्लस 25,000 रुपए तक मेडिकल क्लेम में है। यानी 7,25,000 रुपए तक पर नौकरी पेशा व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है, जो कि लगभग 60,000 रुपये माहवार की तनख्वाह पाने वाले के लिए ये एक बड़ा काम। इससे जब हमारी इंडस्ट्री के एम्प्लॉइज को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, उनकी इनकम ज़्यादा होगी, तो वो ज़्यादा मनोयोग से काम करेंगे और देश को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। अच्छा, इस बार देखा गया कि हैंडीक्राफ्ट को कहीं भी शामिल नहीं किया गया, तो कहीं ना कहीं उनमें रोष। देखिए, अभी ये अंतरिम बजट है। जैसा कि पीयूष गोयल जी ने संकेत दिए हैं कि वो बहुत कुछ देना चाहते हैं इसमें, तो अगर ये दोबारा मोदी सरकार आती है तो हमें उम्मीद है जब जुलाई में ये पूर्ण बजट पेश होगा तो हम लोगों को बहुत कुछ इसमें मिलेगा। कितना संतुष्ट हैं हैंडीक्राफ्ट के नज़र से अगर देखें? व्यापारी का काम संतुष्ट होने का नहीं है, आगे बढ़ने का है। हम तो ये चाहते थे कि ये जो 5 लाख रुपये तक की छूट दी गई है, इसमें जो अपर वर्ग है उसको भी शामिल किया जाता, ताकि 5 से 10 लाख रुपए तक जो टैक्स रेट है वो भी कम किया जाता, 10 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक जो टैक्स रेट है वो भी कम किया जाता, तब इसमें अपर वर्ग को फायदा मिलता। लेकिन उसके लिए अभी कुछ नहीं है, लेकिन हम आशा करते हैं कि जैसे ये अच्छा होना शुरू हुआ है तो आगे जुलाई माह में हमें और कुछ बहुत इसमें प्राप्त होगा। पीतल के व्यापारी हैं। अच्छा, जो आज आम बजट आया है उस पर क्या कहना है? क्या हमें सरकार के अंतिम बजट से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी, लेकिन सरकार का ही अंतिम बजट खोखला साबित हुआ है। जहां सरकार को हस्तशिल्पियों के लिए, हाथ के कारीगरों के लिए और छोटी इंडस्ट्री के लिए नई नई योजनाएं लानी चाहिए थी, उनको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत देनी चाहिए थी, वो कहीं कोई सहूलत नहीं दी गई है। GST में भी कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। 20,000 करोड़ रुपये की इंडस्ट्री को इस सरकार ने मजाक बनाकर रख दिया है। GST और नोटबंदी के कारण पहले से ही ये इंडस्ट्री बर्बादी की कागार पर है और 6,000 करोड़ रुपए की घटकर ये इंडस्ट्री रह गई है। आज सरकार के दावे थे, ना तो हमारे छोटे कारीगरों को ना स्वास्थ्य का लाभ मिला है, ना एजुकेशन में उनको कुछ मिला है, और ना ही उनको कुछ ऐसा न्यूनतम मजदूरी की दर को तय करने में सरकार ने कंजूसी की है। मैं समझता हूँ सरकार के मंत्रियों ने केवल प्रधानमंत्री जी को खुश करने के लिए और अपनी पीठ थपथपाने के लिए बजट पेश किया है। मुरादाबाद का नाम कहीं नहीं रहा, उसको लेकर क्या कहें, क्या कहें, कितना कारोबार आगे बढ़ेगा मुरादाबाद का? ये देखिए, ये उद्योगपतियों की सरकार है। ये अंबानी को व्यापार देना चाहती है, अदानी को व्यापार देना चाहती है, ये बड़े बिल्डर को कारोबार देना चाहती है। छोटे कारीगरों की सोच ही इस सरकार में नहीं है। ये सरकार तो पिछले 5 साल से और अंतिम बजट तक उद्योगपतियों की सरकार साबित हुई है, और मैं समझता हूँ आज का जो बजट है वो निंदनीय है। मैं श्याम भाई शर्मा, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता हूँ, और आज जो बजट
हमारी केंद्र सरकार ने प्रस्तुत किया है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, वित्त मंत्री ने प्रस्तुत किया है, वो बजट अपेक्षाओं से बहुत अधिक बढ़कर है। जो अपेक्षाएं आमजन ने की थी, व्यापारियों ने की थी और कर्मचारियों ने की थी, उन अपेक्षाओं से बहुत अधिक बढ़कर है। आमजन की अपेक्षा थी कि हमारी केंद्र सरकार जो आयकर छूट सीमा है वो 2.5 लाख से बढ़ाकर 3 लाख 4 लाख करेगी, लेकिन हमारे जो जनता के हित का सोचने वाले हैं, ईमानदार प्रधानमंत्री हैं, ये छूट सीमा 2.5 से बढ़ा सीधे उन्होंने 5 लाख कर दी है, जिसका कर्मचारियों में व्यापक लाभ मिलेगा, व्यापारियों में लाभ मिलेगा, आमजन को लाभ मिलेगा और आमजन में बहुत खुशी की लहर है इसके लिए, चूँकि छूट सीमा जस्ट डबल की गई है। और इसी के साथ साथ कामधेनु आयोग के बारे में जो है बजट में प्रावधान किया गया है, कामधेनु आयोग बनेगा जिससे हमारे गायों की सुरक्षा होगी, गौशालाएँ बनेंगी और गाय के तहत बहुत से काम उसमें होंगे। इससे बड़ी बात और है किसानों के हित में, जो किसानों के लिए है, जो 2 हेक्टेयर वाले किसान हैं, 5 एकड़ वाले किसान हैं, उन्हें 6,000 रुपये प्रतिवर्ष जो है अनुदान दिया जाएगा, जिससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ होगा। और बहुत सी योजनाएं हैं, बहुत से काम हैं हमारे बजट में, जिससे आम जन, किसान, व्यापारी, कर्मचारी बहुत लाभान्वित होंगे और बहुत खुशी होंगे। और सरकार को, विशेषकर प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई इस काम के लिए कि उन्होंने जनता के हित का ध्यान रखा और जनता की तरफ से काम किया। अच्छा, मुरादाबाद का नाम जो हैंडीक्राफ्ट है उसको, उसका कहीं भी जिक्र नहीं आया, क्या कहें इसे? देखिए, योजनाएं बहुत सी हैं बजट में, प्रावधान तो जो है अब जब बजट पूरा पढ़ेंगे तो स्पष्ट हो पाएगा, बजट पूरा पढ़ा नहीं है। हम तो यही कहेंगे कि जो मुरादाबाद को कुछ मोदी जी ने, जब से सरकार बनी है कभी मुरादाबाद के पीतल कारीगरों को कुछ नहीं दिया नहीं है, तो जैसे कि आज बजट निकला है तो आज भी कुछ नहीं दिया है। कितनी उम्मीदें थी क्या? नहीं, उम्मीद तो हमारी ख़त्म ही हो गई थी, आखिरी बजट था तो हमें तो उम्मीद ही नहीं थी, क्यों हमें जब अपने मौजूदा मतलब वक्त में उन्होंने कुछ नहीं दिया पीतल कारीगरों आर्टिजन्स के लिए, तो अब हम क्या उनसे उम्मीद लगाते। हम तो जो है पिछली सरकार को रो रहा है कि जो पिछली सरकार ने हमारे आर्टिजन्स और कारीगरों के लिए मतलब जो योजना निकाली थी उस पर मतलब जो है हम रहेगा। और जो है आज तक मोदी जी सरकार ने जो है कोई भी स्कीम आर्टिजन्स के लिए नहीं दी, जो हमारे कारीगर अपने घरों में बैठ बैठ कर काम करते हैं, उनके जो बीमारी अगर हो जाती हैं तो कोई सरकार मतलब जो पिछली सरकार ने हमारे राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना निकाली थी उससे काफ़ी आर्टिजन्स को फ़ायदा हुआ था, और मौजूदा सरकार ने वो योजना बंद कर दी। 5 साल हो गए उस पर विचार ही नहीं कर पाए जो आर्टिजन्स की नहीं योजना उसको जो दोबारा से लागू कर सकती थी, वो भी योजना बंद कर दी, ना कोई उन्होंने अपनी कोई योजना ही निकाली। अच्छा, जो ये आम बजट रहा आज का, अंतरिम बजट था, उसके बाद में कहीं भी नाम नहीं आया हस्तशिल्पियों का, क्या कहें, कैसे क्या किया इन्होंने? भाई हस्तशिल्पियों का यूँ नहीं आया कि हस्तशिल्पी एक गरीब आर्टिजन्स है, समझे नहीं, वो अपना मतलब जो है कमा कमा के मोटे लोगों को, जो उद्योगपति और जो पैसे वाले लोग होते हैं उनको अपना खून पसीना कमा के देते हैं, और मोदी जी जो है उनका सपना यही है कि जो अमीर है उसको मैं और अमीर कर दूं, जो गरीब है उसको मैं गरीब कर दूं।